अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पे। और जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू वीडियोस अपलोड हो रही है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो जिस किसी भाई को वीडियो अपलोड करवानी है या शूट करवानी है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज मैं आया हूँ देवनार बकरा मंडी। मैं आप लोगों को, तो मंडी का दिन नहीं है इसलिए मैं आया हूँ, क्या क्या प्रोग्रेस चल रहा है कंस्ट्रक्शन में और ईद की तैयारी क्या लेवल पे चल रही है, लोगों को पता चले। जो गांव देहात में हमारे भाई रहते हैं जो मंडी में आते हैं ईद में बकरे सेल करने के लिए, उनको ये पता चले कि ईद में माशाल्लाह उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली है, कितना काम जोरों से चल रहा है देवनार बकरा मंडी में। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह पूरा कंस्ट्रक्शन, उधर से एंट्रेंस जो है वो बैल का एंट्रेंस शुरू होगा, ठीक है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बनना स्टार्ट हो गया। और पूरा देख सकते हैं आप लोग कंटिन्यू जो है माल आना स्टार्ट हो गया है। और लास्ट ईयर जो आपको तकलीफें हुई थी, इंशाल्लाह वो देवनार मैनेजमेंट ने उस पर ध्यान रखते हुए उस पर अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत ही ज़ोरों शोरों में चल रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं। और आज जो है बुध का दिन है, कल मंगल की मंडी थी वो भी मैंने कवर किया था और आज बुध का दिन है, ठीक है। तो वो साइड ही माशाल्लाह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो डे आपको बताया था कंक्रीट का पूरा, माशाल्लाह पूरा कंक्रीट का बन चुका है, ठीक है। तो ये है ILU एंटरटेनमेंट, मैं आप लोगों को अपडेट रखूँगा ईद तक इंशाल्लाह क्या माल आ रहा है बड़े का, पाड़े का और बकरे का। और मैं आप लोगों को बता दूँ, देख सकते हैं लाइटिंग का जो इंतज़ाम है वो अच्छे लेवल पर हो रहे, ठीक है। तो लाइटिंग माशाल्लाह बनाई जा रही है, ईद की तैयारी एक ओवरऑल मैं आप लोगों को बता दूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे हो रही है, ठीक है। तो देवनार में आज भी जो है बकरे अवेलेबल है, ये भी बताऊंगा क्या क्या बकरे जो मंगल की मंडी में नहीं बिका, ठीक है, मंडी में नहीं बिका और सैटरडे की मंडी में आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी तक भी आपने ILU एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मेहनत देखिए। आज मंडी का दिन नहीं है, कंस्ट्रक्शन का काम दिखाने है, क्या बकरे अवेलेबल है वो दिखाने आया हूँ। और पब्लिक भी मैं आप लोग बता दूँ, पब्लिक आ रही है और सौदे भी मंडी के विदाउट भी दिन भी सौदे होते हैं। और बकरे जो है यहाँ से मैं आप लोग बता दूँ लेके लोग जा रहे। तो देवनार बकरा मंडी में पहले भी शौक़ होता था, मैं आप लोग बता दूँ साल के 12 मास होता है, लेकिन ईद की तैयारी बहुत ही अलग लेवल की होती है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग अंदर सौदा चल रहा है। तो ये सारे बकरे आप लोगों को सैटरडे की मंडी में इंशाल्लाह अवेलेबल मिल जाएंगे। 12 नंबर भी मैं आप लोगों को बता दूँगा। ये देखिए, ये बच्चा देखिए, वाइट आइज में, बड़े कानों में, बेहतरीन बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, आपका बाड़ा ये? हाँ। क्या नाम आपका? सादिक। सादिक भाई, वो क्या प्राइस का है बच्चा है? 60,000। ये वाला क्या वजन का आएगा? ये 60 किलो। बहुत भारी बच्चा है, फुल गरम। अच्छा, दो दांत का बच्चा। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ भी बच्चा है। बाहर जो है लाइव सौदा हो रहा है, ये बकरा जो बाहर आ रहा है, ठीक है, इसका जो है 19,500 रुपये में सौदा हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो 19,500 रुपये का ये बकरा ये भाई लोग मांग रहे। और यहाँ जो है क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, साजिद भाई थोड़े सौदे में है, ठीक है, तो प्राइसिंग में इंशाल्लाह पूछ लूँगा, जुड़े रहिए मेरे साथ। बाकी ये सारे बकरे अवेलेबल है सैटरडे की मंडी में, ठीक है। किधर आएगा ये? A6 है। A6 में, A6 में, ठीक है। ये बच्चे क्या मांग रहे? बशीर भाई का बाट, ये 35,000। 35,000 रुपये, ठीक है। और एक दो ये बच्चे बताओ ना, 30,000 रुपये का। और ये जो बैठा हुआ है 30,000, मतलब क्या रेंज से स्टार्ट होता है यहाँ? 25,000 से 40,000 रुपये के, 40,000 रुपये के सारे बच्चे हैं, ठीक है। एक बच्चा 60,000 का ये इधर है, बाकी जो है 25,000 रुपये के, 40,000 रुपये के बीच के सारे बच्चे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बच्चा देखा। तो अभी यहाँ से चलता हूँ, ये सारे बकरे मैंने आप लोगों को दिखा दिया। जिस किसी भाई को इसमें जो कोई भी चीज़ें पसंद आती है, आप लोग जो देवनार बकरा मंडी में सैटरडे के दिन भी आ सकते हो। और आप लोगों को बता दूँ आज के दिन भी पब्लिक यहाँ से लेके जा रही है। पब्लिक को लगेगा आज मंडी का दिन नहीं है तो माल नहीं लेके जा सकते, तो माल यहाँ से देख सो, देख लो आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह माल यहाँ से जो है विदाउट मंडी के दिन भी जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। कहाँ से आप भाई? शिवाजी नगर गवंडी। शिवाजी नगर गवंडी, क्या लेने आए हो? ये बकरा देख रहे थे दोस्तों का, मतलब कुर्बानी के हिसाब से? नहीं, कुर्बानी के हिसाब नहीं, हमारे दोस्त हैं पीछे आपके खड़े हैं। ओके। तो अकीका कराना था। अकीका कराना, जानवर देख रहे थे, ठीक है। तो ये मंडी का दिन नहीं है तो आज क्यों आया? बस आ गए थे दो चार दिन के अंदर अंदर, अकीका करा हो जाएगा। ठीक, तो मंडी के दिन आना चाहिए था ना। आज के दिन आप बाहर लेके जाओगे बकरा तो कितना चार्जेस लगेगा? जो 500 रुपये उन्होंने बताया कि 500 रुपये है चार्जेस निकालने के बाद। ठीक, जानवर आज के दिन कम रहे थे तो क्या रेट मांग रहे हो तो बताओ। कैसा है ना मेरे बड़े भाई, मेरे बोलना मतलब ये ना, जानवर है कम
मतलब 10 जानवर है, हाँ, तो उन लेने वाले खरीदार 20 लोग है जी, तो उस पर कैसा ना इन लोगों का देखते साथ ही भाव बढ़ जा रहा है। नहीं तो आज तो खरीदार कोई नहीं है ना, आज तो आप ही हो खाली, खरीदार कोई नहीं, इन लोगों को देने का मन भी नहीं। अच्छा, रहते तो क्या एक्टिव रहते, फार्म पे जो बकरे रहते हैं सेट रहते, फार्म पे अभी जोनार कैसा ना, अभी गरीब का भी देवनार कोई आया ना तो कुछ ना कुछ अल्लाह तला मतलब उसमें दे के रखा है ना, हो ही जाता है, वो लेके ही जाता है, छोटा हो बड़ी कुर्बानी जिसको जैसा करना कर सकते हैं। तो सौदा नहीं जमाना आपका? एक सौदा चल रहा है व्यापारी का, 6000 के जैसे मसला अटका हुआ, देखो हमारे साथी वहीं बैठे हैं। तो ये सब जो है भाई मुजाहिदे में लगे पड़े हैं, ठीक है, मंडी के दिन विदाउट मंडी के दिन ही आए हैं, लेकिन सौदा होने के कगार पे है, लेकिन कुछ गैप है, ठीक है, चलिए दुआ में, दुआ कीजिए हो जाए सौदा भाई होगा। ठीक ठीक, आप लोगों को बता दूं ये सारा बचा हुआ माल है, ठीक है, कोई हकीका नियाज सदका जो भी इनको नियत रहती है मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग अगर अर्जेंट में आते हो देवनार बकरा मंडी तो भी आप लोगों को बकरे यहाँ से लेके जाने को मिल जाते हैं, ठीक है, और वहाँ अभी चलता हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़ोरों में काम चल रहा है। ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो देखना चाहते हो देवनार बकरा मंडी को, और मंडी के दिन ही एक्चुअली ज़्यादातर मैं कवर करते लोग, लेकिन विदाउट मंडी आके काम ज़्यादा मंडी के दिन इतना स्पीड में नहीं हो पाता है जितना विदाउट मंडी काम हो रहा है। देखिए ये साइड भी माशाल्लाह काम ज़ोरों में है, वो साइड भी देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही स्पीड में काम चल रहा है देवनार बकरा मंडी का, और मैं वो साइड चलता हूँ ज़रा, तो आप लोग देख सकते हैं कंटिन्यू यहाँ माल उतर रहा है, ये पूरा जो है शेड बन जाएगा जैसे कि हर साल देवनार बकरा मंडी में बनते हैं, ठीक है, पूरा शेड देखो, एक शेड खड़ा भी हो गया है, बहुत बड़े बड़े शेड बनते हैं, और इंशाल्लाह इस बार आप लोगों को जो है पानी की प्रॉब्लम्स जो भी आती थी उसको दूर करने के लिए बहुत ही अच्छे लेवल में काम चल रहा है। देखिए मेरे ख्याल से आप शनिचर की जब मंडी आओगे ना भाई, इंशाल्लाह आप लोगों को देवनार में जो है बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस ये सारा बना बनाया दिखेगा, क्योंकि बहुत स्पीड में काम हो रहा है देखिए, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग देवनार बकरा मंडी में जो भाई हमारे आना चाहते ईद के टाइम पे बेचना चाहते हो आप बेझिझक आइए, इंशाल्लाह आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या साहिर भाई 365 दिन जरी हो गया? हाँ भाई, ठीक है। तो अपने पास क्या है अभी? अभी खाली दो ही बच्चे बच्चे। अच्छा, दो पालने वाले बच्चे हैं? पालने वाले बच्चे 27 आए थे, तो 27 में से बिक जाए 25। माशाल्लाह, दो भी बिक जाता था लेकिन रेंज थोड़ा फर्क आ गया, रेंज नहीं परोड़ा सामने वाले की। ठीक ठीक, मतलब माल बिक रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि देवनार में माल बिक रहा है। बिक रहा है। लोग आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पसंद कर रहे लोग ले रहे। और ये जो है ये सब माल किसका है? ये मेरे दो बच्चे बच्चे का। और ये सब दूसरे का माल? सब हकीका नियाज, मतलब साल भर माल मिलता है ना इधर? साल भर जैसे मैं देख रहा हूँ आज लोग आए लेने के लिए, तो बाहर जाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? 500 रुपया रहता है कि 100 रुपये देते हैं? पास के हिसाब से वो पूजी सर बकरे वाले का रहता है। अच्छा, पास वाले का रहता है। हाँ, वो क्या रेंज देते हैं अपने को नहीं मालूम, अपन खाली अपना काम है बकरे बेचने का। और जैसे काम चालू है आप देख रहे हो, बहुत स्पीड में काम चालू, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं साबिर भाई? बहुत 1 तारीख तक का इनको तो ऑर्डर दिला है, 1 तारीख तक का पूरा बंदोबस्त हो जाए। अच्छा, 1 तारीख तक का ये पूरा बनना ही चाहिए? बनना ही चाहिए। और आज है 22 तारीख, आज है मतलब 1 तारीख, तो मतलब 8 दिन में पूरा बनना चाहिए। 8 दिन में पूरा बनना। और देवनार में आप लोग बता दो बहुत स्पीड में इसलिए काम चल रहा है, 1 तारीख को इनको मतलब बताया गया है कि इनको पूरा ये रेडी करके रखना है, ठीक है। और 7 तारीख से, कितनी तारीख से मंडी है? 5 तारीख से कुछ है, कोई बोलता 5 तारीख, कोई 3 तारीख, पक्का 5 तारीख से पकड़ के चल, मतलब 5 तारीख से बकरे अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे बकरे यहाँ देवनार में क्या कैपेसिटी रहेगी इस साल बकरे आने की? अच्छी है कैपेसिटी, ये सबको सहूलियत दिला है अभी, मतलब कैसा ये अपना ये बांध रहे हैं। अच्छा, ये बांध रहे हैं, फिर इसमें छपरा डालेंगे, ये डालेंगे सहूलियत देवनार, मतलब लास्ट देवनार में जो है माशाल्लाह लोगों को सहूलत मिलेगी एज कम्पेयर टू अदर मंडी? सहूलियत किधर नहीं मिलेंगी। अच्छा, आपको जो सहूलियतें देवनार के अंदर मिलेंगी। तो मुंबई की सबसे बड़ी मैं आप लोग बता दूं ये मंडी रहती है, और यहाँ 2-2.5 लाख बकरे आते हैं ना? ज्यादा आते हैं, ज्यादा आते हैं। लास्ट ईयर तो 1.5 लाख का आंकड़ा था उधर। वो कैसा है, आते रहते और बिकते रहते। अच्छा, ऐसा है, मतलब तो कांस्टेंट है, वो फिगर नहीं मालूम पड़ पाता है प्रॉपर? नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी देवनार में फैसिलिटी इस बार जो व्यापारी जो बाहर से आते उनको क्या कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है, व्यापारी आते हैं उनको फैसिलिटी मिलती। कैसा है ये साल थोड़ा बारिश का चांस कम है? कम है, कम है। अगले साल बारिश थी, ये साल
चांसेस भी कम है, फैसिलिटी बहुत अच्छी रखे, मतलब जो बकरों को डिफिकल्टीज आती थी वो इंशाल्लाह नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आएगी। सबसे ज्यादा तो शुक्र अदा जीएम का करना चाहिए, मेहनत इतनी अच्छी से करा रहा है। तो जो गौरमा देवनार बकरा मंडी के जीएम है, कुछ नाम आपको ऐसे? पठान साहब है। पठान साहब है, ठीक है, तो उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और ये मैं आप लोग बता दूं, ये लोग जो जंगलों में रहते हैं ना भाई, साल में एक बार देवनार आते हैं, ठीक है, बेचने की ईद के लिए। तो आप लोगों को फैसिलिटी मिल रही है, तो आप जीएम का शुक्रिया मिलिए, जाके उनसे शुक्रिया अदा करिए, क्या क्या फैसिलिटी मिल रही है, और अच्छे से माशाल्लाह काम हो, सही टाइम पे हो जाए, एक तारीख को सारी चीज़ तैयार हो जाए और लोग आए और ईद के टाइम पे सस्ते बकरे मिले, ये क्या बोलते हैं? बकरा देखो मंडी के हिसाब से होता है। जी जी, कोई भी आता है दो पैसा कमाना चाहता है। हाँ, और लोग पैसे भी लगाए थोड़े हिसाब से लगाए, लोग चोरी करके नहीं ला रहे भाई, ठीक है, हिसाब से पैसा लगाए, लोगों का शौक बढ़े इससे, ठीक है। और कुछ आयु भाई? बस दुआ में याद रखिए, ठीक है। लोगों को बता देता हूँ किस तरह काम चल रहा है। चार शेड बन चुके हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, मतलब खाका बन चुका है, उसके ऊपर कपड़ा लगाए देंगे इन लोग, ठीक है। तो चार शेड बन चुके हैं, वो साइड ऑफिसर लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, बहुत ही स्पीड में काम हो रहा है। दोनार में मैं आप लोग बता दूँ, बहुत ही अच्छा आप लोगों को सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन लास्ट तक चार शेड अभी बने हैं और एक तारीख तक इनको काम करना है कम्प्लीट। तो पब्लिक भी मैं आप लोग बता दूँ थोड़ी बहुत आती रहती है, और देवनार बकरा मंडी में जो है 5 तारीख से एंट्री बोल रहे कि स्टार्ट हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई, कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफी दिन से आपकी वीडियोस देखता था, आज आपके दीदार हो गए ना, कैमरे के पीछे वाला चेहरा भी दिखे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का एहसान है। तो आपका नाम बताइए। रेहान, रेहान साबरी गुड फार्म। साबरी गुड फार्म, कहाँ? ओके, कहाँ मतलब रहते हो आप? मैं तो रहता हूँ कुर्ला वेस्ट में। ओके, और माशाल्लाह आप एक प्रोडक्ट है जो मार्केट में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। साबरी कैटल फीड के नाम से, साबरी गोट फार्म के नाम से। तो आप खाली मतलब प्रोडक्ट का क्या शौक भी करते हो आप बकरों का? शौक भी करते हैं माशाल्लाह, बहुत शौक करते हैं, शौक के चक्कर में देवनार अभी इतने टाइम आए कि देखो कुछ मिलता है तो उठा लेते हैं। अच्छा, बकरे माशाल्लाह, और देवनार का काम देखो माशाल्लाह, देख लो इधर भी आ गया, बहुत अच्छे लेवल में चल रहे, बहुत फास्ट चल रहा है, काम चल रहा है बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो नहीं है लेकिन अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे आज के मंडी में आप मंडी के दिन पे ही मिलता है, विदाउट मंडी का दिन है तो उसमें क्या बकरे भी कम दिखते हैं, और उसमें क्या बाहर लेके आने में कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाती है। लोकल लोग ही यहाँ पे भी तो सेल करने के लिए, तो इनसे अपने को व्यापार करने में भी इतना मजा नहीं आती जो गांव वालों के साथ। हाँ हाँ, बराबर। तो ये थे माशाल्लाह हमारे साथ हमारा भाई, जो मैं आया था अच्छी रोशनी थी, अभी अंधेरा हो गया है, ठीक है। तो कुछ कहना चाहते व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए? बिल्कुल, बहुत मेहनत कर रहे हैं माशाल्लाह इलियास भाई, है ना, इतने टाइम पे तो इतने टाइम कोई है भी नहीं माशाल्लाह, यार रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा तो आप इलियास भाई से जरूर। जज़ाकअल्लाह। और भाई का प्रोडक्ट है साबरी कैटल फीड में, साबरी कैटल फीड और साबरी गोट फार्म के नाम से आपका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे चैनल, तो उसको भी इंशाल्लाह विजिट करो, देखो इंशाल्लाह आप 160 किलो के बकरे माशाल्लाह सेल्फ फीडिंग पे आपको मिलेंगे माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जज़ाकअल्लाह खैर भाई, दुआ में याद रखिए। अल्लाह, देख सकते हैं आप लोग किस लेवल पे तैयारी हो रही है देवनार बकरा मंडी में, ठीक है। तो दिन में आए थे, रात हो चुकी है, और रात के अंधेरे में देवनार चमक रहा है, पूरी लाइटिंग माशाल्लाह ये लग चुकी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, बाहर का काम भी 1 तारीख तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, इंशाल्लाह मैं आते रहूँगा और कंटिन्यू आप लोगों को इंशाल्लाह अपडेट देते रहूँगा। तो दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए चलिए भाई, अल्लाह हाफिज़।